ज्यादातर बड़े पब्लिशर्स के पास अपना एक फ्लैगशिप वीडियो गेम फ्रेंचाइज होती है जो उनके लिए सबसे ज्यादा रेपुटेशन और रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन इसी के साथ उनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है उसे मेंटेन करने की, उन फ्रेंचाइजेस में एडिशंस और अपडेट्स लाने की। बट कई सारे डेवलपर्स और पब्लिशर्स इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाते और अपने फेमस गेम लाइनअप्स को फेलियर पर लाकर खड़ा कर देते हैं। आज हम कुछ एनी 10 गेम सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं जो अपनी एक्सीलेंसी को मेंटेन नहीं कर पाए, तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल भी सब्सक्राइब करना है ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। मैक्स पेन अपने डार्क स्टोरीलाइन और ब्रूटल एक्शन के लिए जाना जाता है। इस सीरीज की शुरुआत 2001 में हुई थी जिसे रेमेडी एंटरटेनमेंट ने डेवलप किया था। थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव मोड के साथ इसका पार्कोर स्टाइल शूटिंग मैकेनिक्स ने काफी लोगों को अट्रैक्ट किया। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमारा प्रोटैगनिस्ट माफिया से कॉन्फ्लिक्ट के कारण अपनी फैमिली और अपने लवर को खो देता है जो उसे मेंटली काफी तोड़ देती है, बट फिजिकली नहीं, जिसके बाद वो बदला लेने निकलता है। लेकिन मैक्स पेन 3 ने एक डिसअपॉइंटिंग टर्न लिया। इसमें मैक्स पेन रिटायर हो जाता है और ब्राजील में एक प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर ज्वाइन कर लेता है। स्टोरी लाइन गेम की कुछ खास नहीं और उससे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम इसका गेम प्ले। ग्राफिक्स तो बढ़ा दिए लेकिन काफी सारे अननेसेसरी कटसीन्स ऐड कर दिए। उसके बाद अजीब सा इफेक्ट फिल्टर बहुत से प्लेयर्स को फ्रस्ट्रेट करता रहता है हर मिशन में। देखो, मेरे को पर्सनली वो इफेक्ट्स अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से जो हार्डकोर फैंस है ना इस सीरीज के, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आए। फिर खराब सेल्स एंड रिव्यूज के बाद पब्लिशर रॉकस्टार गेम्स के लिए कोई होप नहीं छोड़ा था इस सीरीज को कंटिन्यू रखने का। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसे रेमेडी ने नहीं बनाया था, इनफैक्ट उनके लिए मैक्स पेन 2 द फॉल ऑफ मैक्स पेन ने ही हमारे प्रोटैगनिस्ट की आर्क खत्म हो चुका था, जिसके बाद उन्होंने ब्रांड की राइट्स $34 मिलियन में टेक टू को सेल कर दी। वैसे ये आइकॉनिक सीरीज एक रीमेक के साथ वापस आ रहा है जिसे और कोई नहीं बल्कि रेमेडी ही डेवलप कर रहा है, तो मैं एक्साइटेड हूँ कि वो रीमेक्स कैसे होते हैं। आज के फेमस कॉल ऑफ ड्यूटी और बैटलफील्ड एक्चुअली मेडल ऑफ ऑनर से ही इंस्पायर्ड है। शॉर्ट में कहूं तो आज के सबसे फेमस FPS फ्रेंचाइज इसी गेम को कंपटीशन देने के लिए खड़े किए गए थे। 1999 में जब से पहला मेडल ऑफ ऑनर आया था जो वर्ल्ड वॉर 2 पर बेस्ड था, उस गेम के हिट होने के बाद डेवलपर्स ने कंटिन्यू किया सीक्वल्स बनाना। इस गेम की हिट को देखते हुए कुछ और भी ब्रेक थ्रू WW2 शूटर्स रिलीज किए गए। सबसे पहले तो बैटलफील्ड, जिसे सेम पब्लिशर EA ने ही रिलीज किया। उसके बाद 2003 में कॉल ऑफ ड्यूटी, जिसे इनफैक्ट डेवलपमेंट के टाइम MOH किलर नाम दिया गया था, यानी कि मेडल ऑफ ऑनर किलर, जो दिखाता है कि कैसे मेडल ऑफ ऑनर ही बेंचमार्क था सभी नए FPS गेम्स के लिए। कंपटीशन ही इस गेम का मेन डाउनफॉल बना। दोनों बैटलफील्ड और COD अपने सीक्वल्स में बहुत कुछ नया देते थे लोगों को, पर मेडल ऑफ ऑनर जैसे तैसे WW2 की थीम को रिपीट करे जा रहा था। फिर मॉडर्न वॉरफेयर के ट्रेंड को देखते हुए 2010 में न्यू मेडल ऑफ ऑनर आई, जो एक्चुअली में अच्छी भी थी विद ग्रेट स्टोरी लाइन एंड गेम प्ले, और 2015 में आए उसके सीक्वल वॉर फाइटर ने भी अच्छा गेम प्ले देना चाहा। लेकिन बैटलफील्ड और COD के टफ मार्केटिंग और सेल्स के कारण कम्पीट नहीं कर पाया और 2020 के बाद इसका कोई बड़ा टाइटल रिलीज नहीं हुआ है। मास इफेक्ट सीरीज भी उन गेम्स में से है जिसने यूनिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए थे अपने साथ। इस RPG में हम अपने करेक्टर को फ्रीली कस्टमाइज कर सकते हैं और उसके बाद थ्रू आउट द स्टोरी लाइन काफी सारे मिशंस और डायलॉग्स में हमें चॉइसेस मिलती हैं, जिससे हमारे स्टोरी लाइन पर असर पड़ेगा। द ओरिजिनल ट्रायलॉजी लोगों को काफी पसंद आई थी, जिसमें ब्यूटीफुल मिशन डिजाइन, अमेजिंग एक्शन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेम प्ले था। लेकिन फिर मास इफेक्ट एंड्रोमेडा को अनाउंस किया जाता है। इस गेम के लिए भी लोग काफी एक्साइटेड होते हैं क्योंकि इसमें भी न्यू गैलेक्सी और करेक्टर्स के साथ स्टोरी लाइन मिलने वाली थी, बट 5 साल के बाद आए न्यू टाइटल में काफी डिसअपॉइंटिंग लगी। इसके सिंगल प्लेयर पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया, मल्टीप्लेयर के लिए DLC आते रहे, वही सिंगल प्लेयर में कोई भी एक्सपेंशन नहीं किया गया रिलीज के बाद। बग्स और ग्लिचेस भी काफी सारे थे गेम में, क्योंकि डेवलपमेंट टीम के पास न्यू फ्रॉस्टबाइट इंजन पर काम करने का एक्सपीरियंस नहीं था। लोगों ने इसे काफी ज्यादा नापसंद किया, जिसकी वजह से रिव्यूज अच्छे नहीं थे और इस फ्रेंचाइज ने भी समय के साथ अपनी क्वालिटी डिग्रेड कर ली। लेकिन एक सीक्वल फिलहाल डेवलपमेंट में है जो शायद कुछ इंप्रूवमेंट्स लाए इस सीरीज में। हेलो गेम्स फ्यूचरिस्टिक FPS सीरीज के टॉप पर आया करते थे। 2001 में कॉम्बैट इवॉल्व के इंट्रोडक्शन के बाद इसने काफी बड़ा फैन बेस कलेक्ट कर लिया था। ओरिजिनल ट्रायलॉजी की डेवलपमेंट बंजी ने संभाल ली थी, लेकिन 2007 में बंजी माइक्रोसॉफ्ट से स्प्लिट हो गई, जिसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने 343 इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश कर ली इस पर फोकस करने के लिए। न्यू हेलो लाइनअप में ओवरऑल ग्राफिक्स और न्यूली रीडिजाइन वेपन्स थे एंड साथ ही साथ गैजेट्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी घट रही थी। इस गेम में कोई DLC अभी तक नहीं आया, जिसके कारण प्लेयर्स बोर हो चुके हैं, चाहे वो सिंगल प्लेयर हों या फिर मल्टीप्लेयर। घोस्ट ड्रैगन सीरीज टॉम क्लैंसी FPS गेम्स का काफी बड़ा नाम है। इसमें हमें टैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है, जहां जनरली मिशन हमें टीममेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए पूरे करने होते हैं। इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था इनका डिटेल मिशन डिजाइन, गेम प्ले और स्टोरी लाइन के लिए। काफी अच्छे अच्छे टाइटल इसके अंडर रिलीज किए गए, जैसे कि एडवांस वॉर फाइटर एंड वाइल्ड लैंड्स। लेकिन फिर आती है लाइव सर्विस गेम ब्रेक पॉइंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस गेम की ये थी कि यूबीसॉफ्ट ने काफी ज्यादा माइक्रो ट्रांजेक्शन ऐड कर दिए थे और ये एक पे टू विन गेम बन चुका था। इसका गेम प्ले भी कुछ ज्यादा खास नहीं था। हमारा करेक्टर ओपन वर्ल्ड आइलैंड पर सर्वाइव करते हुए मिशंस कंप्लीट करता है, इधर सोलो या फिर कोऑप विद फ्रेंड्स। बट गेम प्ले और स्टोरी लाइन वीक होने के कारण सेल्स भी अच्छी नहीं रही, जिसके कारण 2021 में आए ऑपरेशन मदरलैंड DLC के बाद इसका सपोर्ट बंद कर दिया गया। घोस्ट ड्रैगन का न्यू टाइटल फ्रंटलाइन को भी कैंसिल कर दिया गया लॉन्च से पहले।
सीओडी वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड वीडियो गेम फ्रेंचाइज है जिसने काफी सारे अवार्ड विनिंग गेम्स दिए हैं। ये मेनली अपने स्टोरीलाइन के लिए ही जाने जाते हैं जिसमें हमें वॉर में होने वाले सैक्रिफाइसेस, रिलेशन और एक्शन का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। लेकिन इसके डाउनहिल जाने की शुरुआत तब होने लगी जब इसने फ्यूचर और साइंस फिक्शन में एंट्री करने की कोशिश करी। वर्ल्ड वॉर टू, कोल्ड वॉर एंड मॉडर्न टाइमलाइन के बाद कॉल ऑफ ड्यूटी ने नेक्स्ट स्टेज पर जाने के लिए एडवांस वॉरफेयर रिलीज किया। इससे पहले ब्लैक ऑप्स 2 में भी हमें थोड़ी फ्यूचरिस्टिक गेम प्ले देखने को मिला था। वैसे तो इन गेम्स को यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए पसंद किया गया, लेकिन फिर आई इनफिनाइट वॉरफेयर जिससे काफी ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज मिले। इसका मेन कारण था इसको टू फ्यूचरिस्टिक बनाना। इसमें हमारे मिशन अब अर्थ पर नहीं बल्कि आउटर स्पेस में सेट थे जिसमें स्पेस स्टेशन और प्लैनेट्स पर हमें जाना होता है। काफी सारे साइफाई वेपन्स और गैजेट्स भी इंट्रोड्यूस करे गए, इंक्लूडिंग ड्रोन्स, बूस्ट पैक ऑन द सूट्स। इसमें काफी सारे एरियल बैटल्स भी होते हैं विद फ्यूचरिस्टिक बैटलशिप्स, और शायद यही बात थी कि काफी सारे प्लेयर्स ने इसे वैल्यू देना सही नहीं समझा। डिस्पाइट हायर बजट इस गेम के सेल्स उतने हाई नहीं हो पाए और नेगेटिव रिव्यूज भी काफी आए थे जो पब्लिशर एक्टिविजन को पसंद नहीं आए। इसकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद फ्यूचरिस्टिक टाइमलाइन पर बेस कोई गेम नहीं बनाया गया और फिर इसने वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर एंड मॉडर्न वॉरफेयर पर ही न्यू गेम्स रिलीज करने शुरू कर दिए जो डिसेंटली चल रहे हैं। बट अभी भी मेन प्रॉब्लम यही है कि सीओडी का हर साल एक नया गेम आता है जिसकी वजह से वो क्वालिटी पर इतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाते और हमें भी कुछ नया ऑफर नहीं कर पाते और ना ही गेम प्ले में कुछ इनोवेट कर पाते हैं। फुटबॉल गेम्स के दुनिया में फीफा का अगर कोई राइवल था तो वो था प्रो एवोल्यूशन सॉकर यानी कि PES। इस गेम ने कभी भी फीफा जितना रेवेन्यू नहीं कमाया और इसका कारण था लैक ऑफ लाइसेंसिंग जिससे इनके पास राइट्स नहीं थे बहुत सारे रियल क्लब और प्लेयर्स का रियल नाम यूज करने के। गेम प्ले भी मास्टर करना हार्ड था एज कम्पेयर टू फीफा जिसके कारण काफी न्यू प्लेयर्स फीफा ही ट्राई करते हैं। लेकिन PES में हमें फीफा से ज्यादा बेटर ग्राफिक्स, डेप्थ और फिजिक्स देखने को मिलता है जिससे गेम प्ले ज्यादा रियलिस्टिक बन जाता है। लेकिन मार्केटिंग में कुछ खास प्रॉफिट ना होने की वजह से जापानीज डेवलपर कोनामी ने 2021 में इसकी ब्रांडिंग को ही ड्रॉप कर दिया। एक न्यू फ्री टू प्ले सीरीज की शुरुआत करते हुए अब ई फुटबॉल ने PES को रिप्लेस किया जिसमें रेगुलर डीएलसी आते रहेंगे। लेकिन इसमें भी रिलीज के बाद काफी बग्स और ग्लिचेस हैं जिससे प्लेयर्स नाखुश हैं। एनिमेशंस और AI को कुछ खास इंप्रूव नहीं किया गया जिसकी वजह से प्लेयर्स ने इसे बिल्कुल भी खेलना पसंद नहीं किया। भले ही EA ने फीफा का लाइसेंस खो दिया हो बट अगर ई फुटबॉल गेम्स को इम्प्रूव नहीं किया गया तो तब भी सॉकर गेम्स में EA की मोनोपोली मेंटेन रहेगी। प्रिंस ऑफ पर्शिया तो हमारे कुछ अनफॉरगेटेबल गेम सीरीज में से एक है। इस फ्रेंचाइज में मिस्टिकल पावर्स को अर्ली एजेस के स्वॉर्ड फाइटिंग के साथ कंबाइन किया गया था। 1989 से अब तक इस गेम को 30 से भी ज्यादा प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है जिसमें हमारा प्रिंस क्योस फील्ड डे से लेकर डार्क हॉरर तक की थीम्स में दिखा है। लेकिन 2010 के द फॉरगॉटन सैंड्स के बाद कोई बड़ा टाइटल क्यों नहीं आया? वेल, इसका जवाब ये हो सकता है कि पब्लिशर यूबीसॉफ्ट ने असासिन्स क्रीड को ज्यादा प्रायोरिटी दी एज कम्पेयर टू प्रिंस ऑफ पर्शिया। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉन्च होते ही ऐसी सीरीज ने पब्लिशर को ज्यादा रेवेन्यू देना शुरू कर दिया और ऐसा लग रहा था मानो लोग रेगुलर प्रिंस की कहानी को देखकर बोर हो चुके हैं और एक असासिन के साथ ओपन वर्ल्ड स्टेल्थ RPG उनके लिए ज्यादा बेटर है। फॉरगॉटन सैंड्स को पॉजिटिव रिव्यूज तो मिले पर सेल्स फिर भी उतनी खास नहीं थी, एटलीस्ट उतनी तो नहीं जितनी यूबीसॉफ्ट को चाहिए इसे कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन फाइनली अब पुराने सीरीज को कंटिन्यू रखने के बजाय यूबीसॉफ्ट ने फ्रेंचाइज के फेमस टाइटल सैंड्स ऑफ टाइम का रीमेक अनाउंस किया है बट उसमें भी काफी डिलेज फेस करने पड़ रहे हैं उन्हें। मे बी शायद ऐसे ही डिले होता रहा तो हाइप भी खत्म हो जाएगी इस गेम की। बैटलफील्ड वैसे तो आज की वन ऑफ द मोस्ट फेमस मिलिट्री शूटर है बट इसे भी हाल ही में डाउनफॉल का फेस करना पड़ रहा है। इसने शुरुआत में वर्ल्ड वॉर और उसके बाद मॉडर्न वॉरफेयर में काफी अच्छा नाम कमाया। मल्टीप्लेयर मोड भी इसका काफी अच्छा था जहां लार्ज स्केल मैप्स और हर तरह के व्हीकल्स अवेलेबल थे, पर बैटलफील्ड 5 के साथ इसे नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी क्योंकि बैटलफील्ड 1 में वर्ल्ड वॉर 1 के इतने सही पोर्ट्रेल के बाद बैटलफील्ड 5 में भी वही क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे बट उसमें कुछ खास नहीं मिला। फिर आया बैटलफील्ड 2042 जिसने रिलीज से पहले काफी हाइप बनाई थी बट एक्चुअल लॉन्च के बाद इसमें काफी बग्स। फिर जो मोड्स इन्होंने दिए थे वो लोगों को इतना पसंद नहीं आया जितना ये एक्सपेक्ट कर रहा था। ये इतना डिसअपॉइंटिंग था कि बैटलफील्ड 5 जिसमें प्लेयर्स कम हो गए थे उसका भी प्लेयर बेस बढ़ने लग गया। वैसे तो इस गेम ने प्रिंस ऑफ पर्शिया को पीछे छोड़ दिया बट समय के साथ यहाँ भी प्लेयर्स डिसअपॉइंट होने शुरू हो गए। सीरीज ने शुरुआत तो काफी स्ट्रॉन्ग करी थी जिसमें पहले 4 गेम्स की स्टोरी बहुत ज्यादा बढ़िया मानी जाती है एंड अपने आप में यूनिक थे वो। लेकिन असासिन्स क्रीड 3 को थोड़ा खराब रिस्पॉन्स मिला क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन में पहले गेम्स जितना मजा नहीं था। इनफैक्ट इसमें मेन असासिन कॉनर के कैरेक्टर आर्क को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया गया था। असासिन्स क्रीड 4 ने स्टोरी लाइन को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया लेकिन गेम प्ले में थोड़ा सा पीछे रह गया। ऐसे करते हुए अभी तक के 12 गेम्स में कुछ ना कुछ फ्लॉस तो रहे हैं, साथ में बग्स एंड ग्लिचेस भी एक प्रॉब्लम है। हाँ, ये सब्जेक्टिव है कि लोगों को सारे पसंद आए या कुछ को नहीं पसंद आए बट बीच के कुछ गेम्स जैसे सिंडिकेट, यूनिटी, रोग जैसे गेम्स ने अच्छा गेम प्ले एक्सपीरियंस नहीं दिया। हाँ, लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट्स जैसे कि वेलहेला और ओरिजिन्स बग्स और ग्लिचेस के बावजूद अच्छा परफॉर्म किए, लेकिन फिर भी असासिन्स क्रीड को अपनी पुरानी लेगेसी को रीएस्टैब्लिश करने के लिए काफी काम करना पड़ेगा और इसीलिए अब मिराज ही एक सहारा है।
तो यही थे वो कुछ गेम सीरीज जिनको हम एक समय पर काफी पसंद किया करते थे, बट उनकी क्वालिटी अब धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है, जिसकी वजह से इनमें वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। आपको कौन सा फ्रेंचाइज सबसे बढ़िया लगता है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आपको 10 बेस्ट क्रिकेट गेम्स के बारे में जानना है फॉर एंड्रॉइड तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, एंड अगर आपको 10 कर्ज गेम्स के बारे में जानना है तो राइट वीडियो पे क्लिक करो। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, गेम्स का उसे इंडिया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।